मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया अभिषेक, पता नहीं क्यों मैं अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका तुम्हारे सामने, लेकिन फायजा जानती थी, है ना फायजा? तुम जब भी मेरे सामने शावेज का जिक्र करती थी मेरा दिल टूटता था, दिल जलता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें महसूस नहीं होने दिया, जानती हो क्यों? क्योंकि तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं, हमेशा तुम्हें तसल्लियां दी, क्योंकि मेरे लिए मुझसे ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा जरूरी तुम, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। हारिस मुझे तुम्हारी हर बात की कदर है, मगर 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 क्या है इशर? मगर क्या इशर? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे मानूस हैं, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ काफी होता है यार। हारिस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं मानूस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे सिंसियर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी के साथ भी अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करूं। देखो मैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तुम्हें तो सब पता है यार, कुछ बताओ, समझाओ, बताओ यार इसे। हारिस मैं तुम्हें यहाँ समझाने आई हूँ, मैं तुम पे एतमाद करती हूँ कि तुम एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम मेरी बात समझ जाओगे। एतमाद तो मुझे भी तुम पे पूरा है, खुदा का वास्ता समझ जाओगे तुम भी मेरी बात। कैसे दोस्त हो यार तुम, मेरी प्रॉब्लम समझने के बजाय मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो हारिस। एक तो यहाँ मैं इतने मुश्किल में हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा दोस्त खो दूंगी, और अगर अब तुमने मजीद ऐसी कोई बात की मैं तुमसे आगे नहीं मिलूंगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करोगी तुम मेरे साथ, तुम क्यों नहीं मिलोगी? फाइजा मैं जा रही हूँ, तुम चल रही हो? मैं नहीं तो तुम्हें ड्रॉप करना है। तो फिर उठो ना, किस चीज का इंतजार कर रही हो? मैं छोड़ दूँ? नहीं, तुम बैठो, सोचो, समझो उन सारी बातों पे जो मैंने तुम्हें अभी कही। थैंक यू। मैं वो